Assalamu alaikum viewers, what's going on? This is me, Humayzali, and welcome back to my channel, In-Depth Reviews. सबसे पहले लाइटिंग के लिए थोड़ा सा माजर ख्वाह हूँ. लाइटिंग का थोड़ा सा सेटअप जो है वो ख़राब हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है उसको कवर अप कर लूँगा. अब यहाँ पर हम बात करेंगे ओप्पो एफ इलेवन प्रो और ओप्पो एफ इलेवन के बारे में, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है. ओप्पो एफ इलेवन कल की डेट में, आज 28 है 27 को जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, और आज आप लोगों के हाथ में ओप्पो एफ इलेवन देखने को मिल चुका होगा. अगर आपने प्री बुकिंग करवाई होगी, प्री बुकिंग नहीं थी करवाई, तो आज आप लोग जाकर उसको बाय कर सकते हैं. अब यहाँ पर जो इन दोनों प्राइस का जो डिफरेंस आ रहा है वो तकरीबन 15,000 से 16-17,000 तक आ रहा है. ओप्पो एफ इलेवन जो है वो आप लोगों को करीब 40,000 का देखने को मिल जाता है, जबकि ओप्पो एफ इलेवन प्रो आप लोगों को 55,000 का देखने को मिलता है. तो आज इसी के बारे में बात करते हैं. तो आप लोगों ने सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसी के आगे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है. तो बगैर टाइम जाए कि खड़ी है फिर शुरुआत. अब आप लोगों को जो चेंजिंग्स देखने को मिलेंगे, जो डिफरेंस देखने को मिलेंगे करीब 15,000 से 17,000 के दरमियान. अब अगर आप लोगों के जो है वो बजट 40,000 तक है, तो मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करूंगा, मैं वाकई में पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ओप्पो एफ इलेवन को बाय करें. आप लोग कोशिश ना करें कि हमने ओप्पो एफ इलेवन प्रो को ही बाय करना है, आप ओप्पो एफ इलेवन की तरफ रहें, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई किसी किस्म के डिफरेंस नहीं देखने को मिलता. हाँ, एक चीज़ का डिफरेंस है कि आप लोगों को यहाँ पर राइजिंग कैमरा नहीं देखने को मिलेगा, और आप लोगों का डिस्प्ले जो है वो इन्फिनिटी वी देखने को मिलेगा. अब इन्फिनिटी वी भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है. सेल फोन का साइज भी वही है, सेल फोन की डिस्प्ले की रेजोल्यूशन भी वही है, सेल फोन की चिपसेट भी वही है. सेल फोन के अंदर आप लोगों को वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे 4GB 6GB. ओप्पो एफ इलेवन प्रो भी जो है वो 6GB है. तो बैटरी भी आप लोगों को 4020mAh की देखने को मिलेगी, जबकि वहां पर आप लोगों को 4000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी. जल्दी जल्दी से बता रहा हूं ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर रहे, मतलब आप लोग किसी ऐसे झंझट में ना पड़े कि भाई हमें ओप्पो एफ इलेवन प्रो ही लेना है गेमिंग के लिए, ये वो ब्ला ब्ला. चिपसेट भी आप लोगों को जो है वो हीलियो P70 ही है, वहां पर भी P70 है प्रो के अंदर भी, और उसी के साथ साथ सुपर वॉक चार्जिंग भी है. टाइप सी नहीं, 2.0 है यहाँ पर. वहां पर टाइप सी प्रोवाइड की गई थी, यहाँ पर 2.0 है. डिजाइन ओवरऑल सेम है, सिर्फ राइजिंग कैमरा नहीं है और डिस्प्ले इंफिनिटी वी है. अब मेन बड़ी बात है कि इस तरह का डिफरेंस ओप्पो ने क्यों रखा है. मतलब अगर आप लोग गेमिंग के लिए सेल फोन लेना चाह रहे हैं और आप लोगों का बजट भी कम है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप ओप्पो एफ इलेवन को बाय करें विद 6GB रैम. 6GB के साथ आप लोग बाय करेंगे 128GB आप लोगों को बिल्ट इन मेमोरी देखने को मिलेगी. कार्ड आप दोनों के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते. उसके अलावा यहां पर कोई किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है. तो आप 15,000 आखिर क्यों ज्यादा दें सिर्फ एक राइजिंग कैमरा के लिए, जो कि आप लोगों का कैमरा बाहर आएगा अंदर जाएगा, बाहर जाएगा अंदर जाएगा, मतलब बाहर जाएगा अंदर आएगा. तो मतलब इस चीज़ का फिर आप लोगों को डर रहेगा कि यार टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए, कितनी दफ़ा मैं कैमरा को ओपन करूँ, मैं क्या करूँ, ये है वो है ब्ला ब्ला, काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं जहन में. तो इससे अच्छा ये नहीं कि आप लोगों के डिस्प्ले जैसे आप लोगों को नॉर्मली कैमरा मिलता है, आप लोग वैसा ही फ़ोन सेल फोन बाय कर लें, आप लोगों के बजट में भी रहे, आप लोगों को किसी किस्म की सोचें भी ना हो कि यार ये अंदर जा रहा है ये बाहर आ रहा है, ख़राब ना हो जाए, और आप लोगों को उसकी सेल्फी भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर दी जाए. जबकि बड़ी बात के डिज़ाइन भी आप लोगों को ओवरऑल सेम देखने को मिला. बैक पर ड्यूल कैमरा सेटअप ही है, फ्लैश भी है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, सेम टू सेम वही डिजाइन है. फ्रंट भी जो है वो 16 मेगापिक्सल ही है, यहां पर कोई डिफरेंस नहीं. तो फिर आखिर क्यों आप लोग 15,000 जाया करेंगे और अपने दिमाग को सोचों में डालेंगे. तो मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं कि ओप्पो एफ इलेवन बाय करें आज की डेट में, 28 में आज बाय करें, कल करें, परसों करें. गेमिंग के लिए, ओवरऑल डेली यूज के लिए काफी बीस्ट मोबाइल है. और बस आज की वीडियो बस इतना ही. मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में. वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आई है. उम्मीद करता हूँ कि माइंड क्लियर हो गया होगा. यार सोचो, कुछ तो सोचो, आखिर 15,000 किस लिए, बचाओ 15,000. तो उम्मीद है कि आप लोग सोच ही लेंगे. तो आज की वीडियो बस इतना ही. मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालदैन का ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.